वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो हैप्पी गणेश चतुर्थी। तो हम रात को तो लेट सोए थे, 2 बजे सोए थे क्योंकि हम गणेश आगमन में गए थे। तो अभी हम 11 बजे जगे थे, तो अभी रेडी होके स्टूडियो जा रहे हैं। और क्लाइमेट का भी कुछ हो नहीं रहा है भाई, बारिश गिर रही है, धूप आ रही है, ठंडी आ रही है। तो हमने अभी नॉर्मली कपड़े पहने, हमने कहा भाई स्टूडियो जाके मस्त परफेक्ट कपड़े पहनेंगे। तो चलो अभी स्टूडियो चलते हैं। अभी हम स्टूडियो आ गए थे, तो अभी हम सोच रहे थे कि एक प्लेटफॉर्म बना देते हैं जिसमें ये सारे जो अवार्ड मुझे मिल रहे हैं, ये गजानन ग्रुप की तरफ से मुझे मिला है, गजानन और राजन के तरफ से। तो हम लोग ने सोचा कि यार कुछ प्लेटफॉर्म वगैरह यहाँ पे, जैसे कि इधर कोई जगह प्लेटफॉर्म ऐसे कांच का बना के वहाँ पे ये जो ये 2 अवार्ड है, ये 2 अवार्ड है, ऐसे सारे अवार्ड लगा दे, है ना, ऊपर डिस्प्ले करे। तो ये अवार्ड यार बहुत मस्त लग रहे हैं, इसलिए मैंने कहा यार कुछ करते, इसका यूनिक करते हैं कुछ। तो अभी मैं और पापा वही सोच रहे हैं, खाना आ चुका। हमने नीचे से ही मंगवा लिया था क्योंकि हम कुछ घर से बना वगैरह के नहीं आए थे, थक गए थे इसलिए, तो हमने नीचे से ही मंगवा लिया था। तो ये है पुलाव कढ़ी और ये सब्जी है, सब्जी शायद तक छोले है ना, छोले चने, तो छोले चने की सब्जी है। और मस्त से रोटी भी, ममता बहन रोटी तो लेके ही आए थे, तो अभी खाएंगे, एकदम मस्त टेस्टी फूड लग रहा है। फ्रेंड्स अभी खाना वगैरह खा के मैं तो डायरेक्ट सो गया था, पापा तो नहीं सोए थे, बट पापा ने कहा थका हुआ है तू सो जा कोई बात नहीं, तो बाद में सो गया था। पर मैं पता नहीं, मैं एक बार सो जाता हूँ, मैं पहले मेरे को बिल्कुल दोपहर को नहीं सोता, अब से सो जाता हूँ। तो अभी मस्त रेडी वगैरह हुए दोनों के दोनों, एकदम मस्त से अच्छे अच्छे, एकदम खतरनाक दोनों भाई लग रहे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं हितांशी के घर पर, तो अभी उधर निकलना है। अभी यहाँ पर मेरा व्लॉग एडिट हो रहा है, बस अभी ये थोड़ा सॉक्स वगैरह पहन के निकलने वाले हैं इतांशी के घर। फ्रेंड्स अभी हम निकल चुके हैं, तो अभी बस यहाँ से कुछ आधे घंटे का रास्ता है, आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। और यार देखो पापा की बियर्ड कैसे लग रही है, वो जरूर से कहना, मैंने कहा था पापा बियर्ड में बहुत ज्यादा अच्छे लगेंगे, तो आप कॉमेंट में कहना की कैसी लग रही है। इन 600 मीटर्स टर्न राइट ऑन टू ओल्ड पैड रोड। अभी हम हितांशी के घर पहुंच गए, ये लोग मुझ पे प्रैंक करने वाले थे, बट यार मेरे को पहले से ही पता था ये लोग प्रैंक वगैरह कुछ करो नहीं भाई, कि आपको भाई है ही इतना चला। तो फिर ये लोग कह रहे थे भाई ये कॉमेडी है, तो भाई मुझे पता है एक ही हमारे ग्रुप में एक ही कॉमेडी है मैं, और उसके बाहर चप्पल और वो अंदर एकदम छुप के बैठा था रूम वगैरह में। मैं जैसे ही आया मैं, मुझे पता है भाई रूम में नयन बैठा है, ये देखो इसने हमारा प्रैंक चौपट कर दिया। और कर लो प्रैंक। फ्रेंड्स अभी ये लोग बहुत दुख में बैठे क्योंकि इन लोगों का जो प्रैंक है वो फेल हो गया। और मैंने कहा यार तुम लोग कब ये ऐसे ये डब्बे वाले प्रैंक बंद करोगे और एक सक्सेसफुल प्रैंक मुझ पे करोगे। ये तो कहते हैं तेरे पे प्रैंक करना मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो ये देखो भाई, ये देखो, ये तो अपना वीडियो एडिटिंग में लग गया क्योंकि ये तो भाई अभी बहुत है। और ऐसा लग रहा है प्रैंक फेल हुआ। हाँ ये तो देख रहे हो, ये छिल्लो दिवस याद आ गया। अभी खाने बैठ चुके हैं यहाँ पे, 56 भोग लग चुका है और ये दोनों भी बैठ गए। ये तो खाती नहीं है, बट नयन भी खाने बैठ चुका है, ममता बहन भी बैठ चुके हैं, पापा जी भी बैठ चुके हैं और मैं भी बैठ चुका हूँ। चलो मस्त से खा लेता हूँ। अभी मेरा मेकअप हो रहा है क्योंकि अभी हमें जाना है एक प्रोग्राम में, तो मेकअप वगैरह चालू कर दिया। ये देखो ये रहे ममता बहन, ये यहाँ पे इतना से क्या करा। अब देखो सब लोग कह रहे हैं मैं एकदम शरीफ हूँ और ये लोग मस्ती कर रहे थे, पर मेरा क्या भाई, मैं तो शरीफ हूँ ही, आपको भी पता है। मैं नयन नाराज हो गया है क्योंकि वो अभी हम लोग बाद में, हमने कहा ठीक है भाई हो जाए नाराज, तो कह रहा भाई कोई तो मनाने आ जाओ, ठीक है नाराज रहे कोई बात नहीं, मत मान भाई, हम मनाने भी नहीं आ रहे, हम यहाँ पे बैठे बातें करते हैं, ओके कोई बात नहीं। अने आज आपरे पाकिस्तानी गए छे, आपरा वचन में हमें नाना कार्यक्रम में आया, आपको बताइए मुझे भजन वगैरह बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, तो अभी श्री कृष्ण का भजन चल रहा है और श्री कृष्ण भगवान का मैं एक तो सबसे बड़ा भक्त हूँ, इसलिए बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। फ्रेंड्स अभी मैं उधर से निकल गया हूँ और मैं बहुत बड़े बड़े फंक्शन में गया हूँ,
और जो बड़े फंक्शन की फीलिंग होती है ना वो एक होमली वाइब नहीं होती है। और ये पे जो फंक्शन था ना एकदम होमली वाइब, एकदम बहुत ज्यादा, मतलब यार कैसे मेरा फैमिली फंक्शन हो वैसा ही लग रहा था। और बहुत ज्यादा मजा आया मुझे तो। और हम वहाँ से लेट हो गए थे इतांश के घर से निकलने में, तो मैंने वीडियो भी नहीं बनाया था। और मैंने कहा डायरेक्ट वहाँ पे जाके इन्हें सरप्राइज दूंगा कि भाई मैं तो पहुंच गया हूँ यार। में गाड़ी वगैरह रखी है, माउंट एवरेस्ट चढ़ रहे हैं और बहुत ज्यादा थक चुके हैं। ये देखो पापा भी यहाँ पे ही है और बहुत, मतलब बहुत थक गए। अभी सो जाएंगे, अभी सो जाएंगे, मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है। तो इस व्लॉग का इधर ही कर दूंगा एंड। तो अगर आपका व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करना और हर महादेव।